वेलकम बैक टू एडू मनी। मेरा नाम है मनीष यादव और आज हम बात करेंगे फिलिप्स कंपनी में ऑफ कैंपस हायरिंग की। सो गाइज, क्या था कि मैंने काफ़ी दिन से हायरिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो उसके इसके अंदर फिर काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर आप हायरिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड कीजिए, क्योंकि 2020 बैच पास आउट हो चुका है एंड कैंपस प्लेसमेंट इतने अच्छे मिल नहीं पाए थे एंड काफ़ी लोग हैं जिनको कैंपस प्लेसमेंट मिल ही नहीं पाए थे। तो उन लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप ऐसी वीडियो अपलोड कीजिए जिससे कि हमारी जॉब भी लग सके। तो यार आप लोग जब इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई एम ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू गाइज। सो मैं आ गया हूँ आपके लिए एक सीरीज लेकर कि जिसके अंदर कि हम पर डेली बेसिस के ऊपर हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसके अंदर कि कोई भी जहाँ भी ऑफ कैंपस हायरिंग होगी या ऑन कैंपस होगी, जो भी यार अवेलेबल होगी हायरिंग, तो मैं उसको आपका नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराऊंगा एंड आप सिंपली आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको सिंपली वहां से अप्लाई करना है एंड देन आप कंपनी के जो भी जितने भी प्रोसेस होते हैं आप उनके अंदर एंट्री कर जाएंगे एंड देन फाइनली आई होप कि आपको जॉब मिल जाएगी। सो गाइज, चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं फिलिप्स कंपनी में ऑफ कैंपस हायरिंग की। सो गाइज, मैं उस पेज को ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर की ये हायरिंग है। सो गाइज, ये हायरिंग है फिलिप्स की। तो बेसिकली चलिए सबसे पहले हम फिलिप्स के बारे में बात करते हैं। तो गाइज, 125 ईयर्स पहले फिलिप्स की स्टार्टिंग हुई थी एंड इसकी स्टार्टिंग स्मॉल लाइट बल्ब कंपनी के रूप में हुई थी, बट यू नो कि अब फिलिप्स कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। सो गाइज, चलिए अभी इस हायरिंग के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या है। सो गाइज, एक्सपीरियंस नीडेड हुए फ्रेशर्स इस हायरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री नीडेड में बी बीटेक एंड एमसीए। सो गाइज, यहाँ पर कोई स्पेशली बी बीटेक की कोई स्ट्रीम को मेंशन नहीं किया है, सो यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद वर्क लोकेशन गाइज, इस हायरिंग की जो वर्क लोकेशन रहेगी वो बैंगलोर होने वाली है। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। सो जॉब डिस्क्रिप्शन में बात करते हैं बेसिकली जेडी के अंदर रोल कॉम्पिटेंसी एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो गाइज, आपको नॉलेज होनी चाहिए सी और सी प्लस प्लस में एप्लीकेशंस को डेवलप करने की, देन साउंड गुड नॉलेज ऑफ एसडीएल। सो बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की नॉलेज होनी चाहिए। सो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो आई थिंक कि आप पढ़ भी सकते हैं। बेसिकली कुछ मॉडल्स होते हैं वॉटरफॉल मॉडल है एंड काफी सारे मॉडल होते हैं यार, 5-6 मॉडल होते हैं, तो आप इजीली पढ़ सकते हैं एंड आप उनको समझ सकते हैं। रैपिड डेवलपमेंट मॉडल किस तरह यार डेवलप करते हैं इनको यूज में लेके हम किसी भी एप्लीकेशन को, सो वो यार आप इजीली सीख सकते हैं अगर आपको अभी नहीं भी आता है। देन नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोडिंग रियलाइजेशन एंड टेस्ट ऑफ द सिस्टम। सो डेफिनेटली यार ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जॉब है, हायरिंग है। सो इसके अंदर आपको रेस्पॉन्सिबल होने चाहिए आप कोडिंग के लिए, रियलाइजेशन, टेस्ट ऑफ सिस्टम, सब सिस्टम एंड कंपोनेंट। सो बेसिकली आपको टेस्टिंग पार्ट पे काम करना है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर जाते हो तो आपको यूनिट टेस्टिंग पार्ट पे काम करना है एंड कोडिंग तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। उसके बाद डेवलप द वर्क विद अ फोकस ऑन कंज्यूमर नीड्स एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिटिवनेस एंड कीप्स द आउटसाइड इन अप्रोच इन माइंड फॉर द कोड ही क्रिएट। सो गाइस, बेसिकली आपको कंज्यूमर नीड को यार डेवलप करना है, काम को, अपने काम को, ताकि वो कंज्यूमर नीड को सेटिस्फाई कर सके। उसके बाद कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग और परचेज मॉड्यूल्स इनटू कंपोनेंट्स। सो यार एग्जिस्टिंग और जो भी परचेज्ड मॉड्यूल्स हैं उनको कंपोनेंट्स के अंदर कंबाइन करना है, इंटीग्रेट करना है। उसके बाद सपोर्ट्स, इशू इन्वेस्टिगेशंस, मेंटेनेंस, कंप्लेंट्स हैंडलिंग का कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो गाइस, बेसिकली अगर हम ओवरऑल बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो फेज होता है वो काफ़ी फेज होते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काफ़ी सारे फेज हो जाते हैं। तो हर फेज के अंदर डिफरेंट काम होते हैं। किसी पे हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते होते हैं, किसी पे हम मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, किसी पे हम यूनिट टेस्टिंग कर रहे होते हैं, किस पार्ट पे हम डेवलप कर रहे होते हैं, किसी पार्ट पे हम एसआरएस को डेवलप करते हैं यानी कि सॉफ्टवेयर रिव्यू डॉक्यूमेंट। तो हम उन चीज़ों को काफ़ी करते रहते हैं। तो आपकी अभी आप अप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो भी आपकी प्रोफाइल को शूट करेगा जो रोल वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बेसिकली यार ये रिक्वायरमेंट्स थी जो कंपनी आपसे चाहती है। उसके बाद गाइज, अगर हम बात करें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए, गुड स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, रिटन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, सेल्फ स्टार्टर होनी चाहिए, सेल्फ लर्नर होने चाहिए एंड शुड बी गुड टीम प्लेयर। सो बेसिकली आपको ओवरऑल काम तो करना है एक टीम के अंदर, आपकी एक टीम होगी, सपोज डेट कि आपकी 5 या 6 पीपल्स की टीम है, तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप टीम्स के अंदर काम कर सके। गाइज, उसके बाद बात करते हैं अप्लाई लिंक की। सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। गाइज, लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इसको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा जहाँ पर आपको, चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको।
सो मैं ऑलरेडी लॉग इन कर चुका था आप लोगों को दिखाने के लिए कि मतलब बेसिकली लॉग इन कैसे करना है। सो बट हाँ सिंपल था कि मतलब इसके अंदर कुछ था नहीं इतना कि आपको करके दिखाऊं। सो आपको सिंपली जैसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे जो कि फिलिप्स कंपनी का ऑफिशियल पेज है। सो गाइस उसके बाद आकर आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई के बाद आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, देन उससे लॉग इन करना है सिंपली। उसके बाद आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। सो यहाँ पर आपको सिंपली यार बस अप्लाई करना है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लाइक यहाँ पर क्विक अप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर देना है कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ये उसके इसके अंदर है। देखिए नंबर वन केस की अगर आप करंटली फिलिप्स के एम्प्लॉई है तो आपको इस लिंक पर जाके क्लिक करना है, अदरवाइज आपको सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट फाइल्स के अंदर आना है। यहाँ पर अपनी जो भी आपका RCV है उसको आप अटैच कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद माई इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है लाइक आपका क्या नेम है, क्या आपका एड्रेस है, क्या आपकी CGPA है यार, उससे रिलेटेड आपको सारी अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। देन कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट इज माई एक्सपीरियंस। सो हेयर यू नीड टू फिल योर एक्सपीरियंस, हाउ मच ईयर्स एक्सपीरियंस यू हैव इन लाइक टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री। अगर आप फ्रेशर नहीं हैं तो सो आप यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस फिल करना है। देन उसके बाद एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2, वॉलंटरी डिस्क्लोजर्स एंड द फाइनल रिव्यू। सो गाइज आई थिंक यार मतलब इतना कोई इशू नहीं है, आप इजिली कर सकते हैं। आपको स्टेप मैंने बता दिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर एक को फिल करिए, नेक्स्ट पे जाइए। सो बिल्कुल इजी है यार, मतलब कि कुछ ज्यादा करने लायक है नहीं इसके अंदर। सो गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसका। सो गाइज मैं लाइक आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड इसका जो लेवल है वो लेवल ऑफ कोडिंग एंड अदर थिंग्स लाइक बहुत ज्यादा अप नहीं है। तो अगर आप एक मीडियम लेवल के भी हैं तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। सो गाइज अभी की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी, एंड डेफिनेटली आई होप कि आप यार इस जॉब के लिए अगर आप कुछ आपके पास अभी जॉब नहीं है तो आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाए, ऐसी मेरी होप है, मेरी आशा है आप लोगों के लिए। सो गाइज अभी की वीडियो में बस इतना ही। सो अगेन थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड अप विद एडवानी।